ये बकरी का टांग है। तो ऐसे सूप बनाने के लिए आप लोग मेरे वीडियो अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग मास्टर में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज दिखाऊंगी बकरी की टांग की सूप। तो इसे हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं और इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। अच्छे से साफ कर लिया है, अभी इसको हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 चम्मच। सबसे पहले 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने गरम मसाला ले लिया है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है बहुत ही ज़्यादा। अब मैंने 4 हरी मिर्ची ले लिया है और 4 प्याज ले लिया है। हमने 10 टांगे जो ले लिया है, इसीलिए मैंने मोटे मोटे 4 प्याज ले लिया है। प्याज डालते ही हम नमक डालेंगे इसमें 1 चम्मच। इसे अच्छे से ऐसे घुमा लेते हैं। इसमें तेल कम डाला है मैंने, क्योंकि टांगों जो है उसी से तेल निकालते हैं और शरीर के बहुत सारे फायदे हैं, डॉक्टर भी बताते हैं टांग खाने के लिए। तो हड्डियों को दर्द होता है जो पैर में, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसे इसके बाद हम अदरक और लहसुन डालेंगे। थोड़ा प्याज को भून लेते हैं। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। फिर एक बार ऐसे घुमाएंगे इसको। घुमाने के बाद मैंने 1 चम्मच मिर्ची ले लिया है, वो डाल देते हैं इसमें। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और धनिया पाउडर और इसमें काली मिर्ची पाउडर, बस इतना ही मसाला डालेंगे। बाद में हम धनिया पत्ता डालेंगे होने के बाद। अभी इतना ही मसाला हम डालेंगे। मसाला को हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट इसे घुमा लिया है और ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। जो टांगे हैं वो हम आप डाल देते हैं इसमें, सारे ऐसे डालेंगे। ऐसे 2 गिलास पानी डालेंगे हम इसमें और इसे 10 मिनट हम पकाएंगे, अच्छी से पकाएंगे। फिर बाद में हम देखेंगे। और 1 गिलास पानी डाल के इसे बंद कर देते हैं। इतना ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में देख लेंगे। इसे 10 मिनट हम पकाएंगे। खोल के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे तेल लगा दिया था हल्का सा, तो इसीलिए सीटी बिल्कुल गैस खराब नहीं हुआ, गंदा भी नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया हो गया है, बहुत ही अच्छी से बॉयल भी हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।